नमस्कार दोस्तों, मैं सदा के सभी मोटिवेशन एक बार आपके सामने फिर लेकर के एक नई चीज़ उपस्थित हुई। सोचा आप लोग को अपडेट दूँ ताकि आप भी लेकर के खरीदें और अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल करें। तो चलिए बताती हूँ कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको ना मैंने नमक डाला यानी सॉल्ट डाला। सॉल्ट डालने के बाद में अब हम इसमें डालेंगे इसको लगाने वाला, जो घुमाएंगे। घुमाने के बाद में इसका कवर लेंगे, उसके पीछे आटा डालेंगे। आटा डालने के बाद में हमने इसमें और आटा डाला, और आटा ऐड करते 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 आटा को ऐड करते रहिए। फिर उसके बाद में हम इसमें क्या करने वाले हैं वो देखते रहिए आप, देखते रहिए देखते रहिए देखते रहिए। अब हमने कैप सेट कर दिया इसका, यानी इसके ढक्कन हमने सेट कर दिया। देखिए सेट करने के बाद में सेट हो गया। सेट होने के बाद में इसके ऊपर हम लगाएंगे राउंडर। राउंडर लगाने के बाद में हम इसको राउंड राउंड करके नमक को पहले मिला देंगे। फिर उसके बाद में हम लेंगे पानी, वो भी ढक्कन से नाप के। हमको तो आइडिया था कि हमने वाटर से डाल दिया ताकि आप सबको पता चल सके कैसे डालते हैं। अब डालने के बाद में इसको राउंड 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 इसको घुमाना है। घुमाने के बाद में इसको एक बार और पानी ऐड करना है। देखिए थोड़ा सा गिर गया है, आप थोड़ा सेफली करिएगा। अब देखिए फिर से मैंने राउंड राउंड घुमाया, इस तरह से यहाँ आटा आपका अच्छे से बनने लगेगा। और पानी ऐड करना है। फिर मैंने ढक्कन से डाला, फिर बॉटल से डाला। इसी तरह हमने प्रक्रिया को चालू रखा है। स्टार्ट करने के बाद हम राउंड राउंड घुमाते रहेंगे और मारा सिक्सर यानी और पानी डालना है। पानी डालने के बाद में इसको और राउंड 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 जब तक इसका राउंडर पूरा कंप्लीट ना हो जाए। अब राउंडर राउंड होने के बाद में और पानी ऐड किया जा रहा है ताकि इसका राउंडर का खाउंडर बन जाए। देखिए फटाफट हो रहा है ना, आप सभी को कैसा लग रहा, अच्छा लग रहा है ना। अरे कैप किधर जा रहा है। कैप के बाद में हमने सेट करने के बाद में फिर राउंडर से घुमा दिया। घुमाने के बाद में फटाफट आटा हमारा गुथने के लिए कम्प्लीट हो गया है। देखिए आप अपने हिसाब से इसको कैप्चर कर लीजिएगा। कैप्चर करने के बाद इसको कवर करिएगा। कवर करने के बाद आटे के गूंथते रहिए, गूंथते रहिए, गूंथते रहिए। गूंथ गया आटा, हमारा आटा लगभग गूंथने के कंप्लीटेड में आ गया है। अब हम फिर से पानी ऐड करने जा रहे थे लेकिन हमने कैंसिल कर दिया, अब नहीं करेंगे। अब हम डायरेक्ट इसको देखते रहेंगे कैसे क्या हो रहा है। आप भी देखते रहिए आँखें फाड़ कर, क्योंकि बिना आँखें फाड़े आपको पता नहीं चलेगा कि आटा हमने कैसा गूंथा है। इसका नाम है आटा मेकर, जिससे बनेगा आटा गूंथ करके फिर बनेगी इससे मुलायम मुलायम सॉफ्ट सॉफ्ट चपाती यानी रोटी। खाने के बाद बहुत मज़ा आता है, जो आप लोग खाने के बाद में एंजॉय ले सकते हैं। बस यूं ही तरह सिलसिला तैयार रहना चाहिए। अब देखिए कैप लिया, कैप को ओपन किया, पूरे ढक्कन को गिरा दिया, सब कुछ गिराने उखाड़ने पकाने के बाद में आटा हमारा गूंथ गया है। अब हम लेंगे एक, अब इसको हम सेट कर रहे हैं। सेट करने के बाद में अब हम जाएंगे, रुके रहिए अभी हम कहाँ जा रहे हैं, अब जाने वाले हैं। देखिए थोड़ा सा इंतज़ार करिए, आपको नया तरीके का आटा गूंथता हुआ मिलेगा। थोड़ा सा इंतज़ार करिए, इंतज़ार का फल मीठा होता है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमने पैन लिया है कवर हाथों में, हैंड ग्लव पहनने के बाद में हमने आटे को अच्छे से गूंथ लिया। गूंथ गया आटा हमारा, देख रहे हैं आप कितनी फास्ट हमने गूंथा है ना। इसी प्रकार आप भी आटा को गूंथिए, देखिए अच्छा ही गूंथा है। अब गूंथने के बाद में इसको हमको सेट कर लेना है, क्योंकि बिना अपने जांगर के काम के, बिना मेहनत के, बिना कुछ मज़ा नहीं आता। तो आटा गूंथ के रेडी हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे लोई यानी लोला। लोला बनने के बाद में हमारी रोटियाँ बनेंगी। रोटियाँ को तो सभी लोग खाना जानते हैं, लेकिन काम करना कोई नहीं चाहता है। मैं भी नहीं करना चाहती, लेकिन हाय हाय ये मजबूरी, आटा मेरी मजबूरी नहीं है। पेट भरेगा सब खाएंगे, रोटी के बिना ज़िंदगी अधूरी है। लोई रेडी है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लोई हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए कितना सॉफ्ट आटा गूंथा है।